हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शक्ति एंड आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर सिंस लास्ट 20 इयर्स एंड आई वेलकम यू ऑल इन शक्ति सर क्लासेस। टुडे वी विल गिव अ समरी ऑफ द टेक्स्ट द मिडनाइट विजिटर। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियोज फर्स्टली। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मिडनाइट विजिटर। तो ये कहानी है ऑसिबल नाम के कैसे जासूस की, जिसने अपनी चतुराई से जो है मात दी थी मैक्स नाम के एक और जासूस को। तो फाउलर जो है एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, और उसको जो है टास्क दिया जाता है कि एक सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल, उसका इंटरव्यू जाकर के करे। तो सीधा पहुंच जाता है जहां पर वो रह रहा था। तो फाउलर सीधा पहुंच जाता है ऑसिबल के पास में। ऑसिबल का जो रूम है 6th फ्लोर पर था, ये टॉप फ्लोर था, और वहीं पर जो है ऑसिबल इस समय रह रहा था। अब ऑसिबल को देख करके फाउलर दिमाग में एक विचार करता है कि यार ये तो कहीं से भी किसी भी वे में जो है सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं है। अब ऑसिबल जो है थोड़ा ठीक ना सा मोटा सा आदमी था, टोन थोड़ी बाहर निकली हुई थी और बहुत ही अगली सा दिखाई देता था। तो फाउलर के दिमाग में जो सीक्रेट एजेंट्स का जो एक इमेज था वो कुछ जेम्स बॉन्ड टाइप का था, माचो मैन टाइप का, तो वो तो बिल्कुल फिट नहीं होता था ऑसिबल के ऊपर। तो ऑसिबल का इंटरव्यू करने आया था। और ऑसिबल के बारे में एक दो चीज और है कि ऑसिबल जो है जर्मन भी अच्छी बोल लेता था, फ्रेंच भी अच्छी बोल लेता था, और अमेरिकन एक्सेंट भी उसका बहुत अच्छा था। तो जब वो फाउलर के साथ अपने रूम के अंदर एंटर होता है, दरवाजा खोलता है, तो दरवाजा खोलते ही सामने उसे जो है मैक्स गन ताने दिखाई देता है। और मैक्स को देखते ही फाउलर डर जाता है। मैक्स का गन तानने का सीधा सीधा सा लॉजिक ये था कि एक सीक्रेट रिपोर्ट थी मिसाइल्स के बारे में, जिस रिपोर्ट को जो है वापस हथियाने आया था मैक्स। अब मैक्स को सामने बंदूक ताने देख करके जो है थोड़ा घबरा तो जाता है ऑसिबल, लेकिन इतना भी नहीं घबरा था कि वो अपनी विट से बिल्कुल आउट हो सके, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। तो बंदूक सामने ताने खड़ा हुआ था मैक्स, और वो जो है सामने पड़ी हुई जो हत्थेदार आर्म चेयर है वहां पर बैठ जाता है बड़े आराम से हमारा ऑसिबल। और सीधा सीधा वो जो है कमेंट करता है मैक्स को, बोले यार मैक्स तू जो है खिड़की से आ सकता था, तेरे को दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी। तो ऑसिबल की ये बात सुनकर के मैक्स कमेंट करता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि दरअसल इस 6th फ्लोर के अपार्टमेंट में जो है कोई खिड़की भी होगी, उसे पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वो डेफिनेटली खिड़की से ही आता, भला क्यों रिस्क लेता वो लोगों के सामने से होते हुए, सबने उसको देखा। और वो जो सीधा जो है ऑसिबल के रूम में आया, ऑसिबल जो एक्सप्लेन करता है दरअसल ये बालकनी जो है उसके रूम की नहीं है, ये बालकनी जो है सामने वाले अपार्टमेंट की है। और वो जो है कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है होटल मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, कि इस बालकनी को जो है बंद करवा दिया जाए। अभी वो दो चार दिन पहले भी इस चीज को बोल के आया था, आज वो फिर बोल के आया है, और पहले भी कोई बंदा जो है इस खिड़की से उसके रूम में घुस गया था। तो एक परेशानी का सबब थी वो खिड़की 6th फ्लोर की। तो बड़े ही कन्विंसिंग वे में जो है वो ऑसिबल जो है मैक्स को ये बात समझाता है, यूं कहिए कि ऑसिबल जो है मैक्स के दिमाग में बात डाल देता है कि ऑसिबल के रूम के बाहर जो खिड़की है उस खिड़की के बाहर एक बालकनी। अब ये बात उसके दिमाग में डालने की पीछे लॉजिक क्या था वो आगे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अभी वो बंदूक तान के खड़ा ही था मैक्स ऑसिबल के ऊपर, और उससे वो बोल ही रहा था कि जैसे ही वो सीक्रेट रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में आती है मैं उसको यहां से लेकर के चला जाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे हाथों से ज्यादा बेस्ट वो सेफ मेरे हाथों में रहेगी। इसी बीच दरवाजे पर एक नोक होती है, और नोक सुनते ही जो है ऑसिबल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन मैक्स थोड़ा सा जो है पजल्ड हो जाता है, घबरा जाता है। अब ऑसिबल को इतना काम और कूल देख करके मैक्स का दिमाग खराब होता है, और वो पूछता है तू इतना चिल क्यों है भाई। तो ऑसिबल जो है जवाब देता है मैक्स को, तेरे को क्या लगा इतनी सीक्रेट फाइल है रिपोर्ट्स की जो कोर्स ऑफ द हिस्ट्री बदल सकता है किसी देश का, इतनी
इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मेरे पास में आने वाली है, तो तेरे को क्या लगता है मैथ्स में इतना लापरवाह रहूंगा कि इसे यूं ही मैं जो है ऐवे ही डील करूंगा? तो मैं जो है पुलिस वालों से ये कह कर के आया था कि हाँ कि थोड़ी थोड़ी देर में वो चेक करते रहे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो ऑसेबल जो है मैक्स को बोलता है कि जो बाहर नोक हो रही है, ये नोक करने वाले कोई और नहीं पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो सीक्रेट फाइल मिसाइल्स की रिगार्डिंग मेरे पास में आने वाली है, उस फाइल को सेफगार्ड करने के लिए और अपनी लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी थी पुलिस वालों को कि टाइमली वो जो है थोड़ी थोड़ी देर में मुझे चेक करते रहें कि मैं ठीक हूं या नहीं। तो इस समय जो दरवाजे पर नोक हुई है, ये नोक जो है पुलिस वालों ने करी है, और अगर मैंने जाकर के दरवाजा नहीं खोला, जाहिर सी बात है वो दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाएंगे, और अगर अंदर आ गए तो तुमको हमारे ऊपर गन ताने हुए देख करके वो तुमको ऑन द स्पॉट ही शूट कर देंगे। तो दरवाजे पर नोक जो है और हार्डर होती चली गई, और इतनी गर्मा गर्मी के अंदर मैक्स से थोड़ा सा घबरा गया। तो मैक्स जो है सीधा जाकर के बोलता है ऑसेबल को कि वो जो है बालकनी के अंदर ही छिपा हुआ है, और ऑसेबल फटाफट से जो इन पुलिस वालों को चलता करें, अगर किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश करी ऑसेबल ने तो वो जो है फाउलर को और ऑसेबल दोनों को ही शूट कर देगा। तो इतना कहते हुए उसने दोनों पैर अपने जो खिड़की के अंदर डाले और कूद गया, और जैसे ही कूदा तो एक बहुत ही भयंकर चीख की आवाज सुनाई दी, और उसके बाद में सब कुछ ठंडा पड़ गया। तो दरवाजे पर जो नोक हुई, तो दरवाजे पर नोक होने के बाद दरवाजे जब खुला तो एक वेटर अंदर आता है, वो दो ग्लास और ड्रिंक लेकर के आता है, और सीधा सीधा जो है वो वेटर कहता है कि सर आपने ही तो कहा था कि जब आप वापस लौटेंगे तो दो ग्लास और ड्रिंक लेकर के मैं आपके रूम में आ जाऊं। तो ऑसेबल जो कहता है कि तुम इनको यही सामने ट्रे पर रख दो और चले जाओ। तो वेटर के जाने के बाद में जो फाउलर था वो थोड़ा सा कंफ्यूज और पदल्ड हो गया। वो ही कहता है कि यार आप तो कह रहे थे जो है दरवाजे पर पुलिस वाले हैं, तो अगर वो बालकनी के अंदर जो है मैक्स बैठा हुआ उसको पता चला कि हमने उसे जो है चीट किया है तो वो तो हम दोनों को आकर के गोली मार देगा। तो इतना सुनते ही ऑसेबल जो है बड़े ही काम और कूल वे में स्माइल करता है, बोले डोंट वरी फाउलर, कोई भी वापस आने वाला नहीं है, मैक्स तो ऊपर पहुंच चुका है, कमरे की खिड़की के बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। तो मैक्स ने जो है 6th फ्लोर से छलांग लगा दी है, और अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होगी। तो ये देख करके फाउलर भाई साहब नतमस्तक हो जाता है ऑसेबल के आगे, और वो एक्सेप्ट करता है कि भले ही ऑसेबल जो है दिखने में बड़ा ही नाटा सा भद्दा सा हो, लेकिन विट के मामले में भाई साहब वो किसी तुर्रम खान से कम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी उस विट से ही सामने खड़ी हुई मौत को जो है ट्रिक किया और अपनी और उस फाउलर की जान बचा ली थी। तो दिस इज ऑल अबाउट मिडनाइट विजिटर, वी विल मीट अगेन इन अनदर समरी ऑफ सम अदर टेक्स्ट, टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।